सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, सब जानते हैं और देखते हैं, तीनों लोकों को जानते हैं, हमारे सबके बारे में जानते हैं, हमारा मन में क्या हो रहा है, हम कहाँ फिसल रहे हैं, विचारधारा कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, कितना हमारा शुक्ल ध्यान बढ़ रहा है, प्रभु सब जानते हैं और देखते हैं। और भेद विज्ञान, जैसे कहते हैं भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद हम सुन लेते हैं, और जड़ और जीव के भेद कितना गहरा हुआ कि नहीं। यदि आपका भेद गहरा होगा तो आप मन पर नियंत्रण होगा, मन जो संकल्प विकल्प करता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। भेद जितना गहरा होगा बुद्धि शांत हो जाएगी, भेद जितना गहरा होगा पांचों इंद्रियों के विषय जो हमें जन्मों जन्मों तक भटका रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। पांचों इंद्रियों के विषय, जैसे आँख दृश्य देखती है तो हम बह जाते हैं, उस दृश्य के पीछे चले जाते हैं, कोई संगीत सुनाई देता है तो हमें जो अच्छा लगता है हम उसके प्रभाव में बह जाते हैं, नासिका सुगंध दुर्गंध लेती है उसमें चले जाते हैं, जिह्वा स्पर्श लेती है, भोजन करने बैठते हैं जो चीज़ अच्छी लगती है हम खा लेते हैं, हम भूल ही जाते हैं, हम जीभ को भूल जाते हैं और उसमें रस लेने लग जाते हैं। इसका मतलब भेद नहीं हुआ, स्पर्श में चले जाते हैं। तो पांचों इंद्रियों के विषय और मन और बुद्धि, जितना आपका भेद विज्ञान गहरा होगा, अब भेद पूरा भेद करना है, केवल ज्ञानी भगवान अरिहंत परमात्मा 100% भेद में जीते हैं और अभेद में जीते हैं, सब कुछ उनको दिखाई देता है पर अपने जीव में स्वयं रहते हैं, हम उतना अभी नहीं रह पाते, पर इसका भेद करो अधिक से अधिक, तीक्ष्ण धारा से भेद करो, भेद विज्ञान को बढ़ाओ। ये साधना भेद विज्ञान की है और हर कोई वृत्ति व्यक्ति वस्तु स्थान हम प्रभावित हो जाते हैं, कोई स्थान अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति से मोह हो जाता है, राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी वृत्ति है, उसके कर्म संस्कार हैं, हमारे भी अपने कर्म संस्कार हैं, आपने उसमें देखना क्या है, आपने उसकी वृत्ति को देखा तो हम मिथ्यात्व हो गए, हमने उसकी वृत्ति को छोड़ करके हमने जीव को देखना है, वो भी जीव मेरे समान, मैं भी मेरे समान, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो भेद विज्ञान को बढ़ाओ और शुक्ल ध्यान, कितना शुक्ल ध्यान बढ़ा आपका, जैसे आपने घंटे के अंदर बार बार प्रयोग करो, बार बार प्रयोग करो, एक मिनट आधा मिनट से शुरू करो, ठीक है, दो मिनट, जैसे शुक्ल ध्यान का प्रयोग बढ़ेगा आपकी धारा बढ़ गई, ये समय अनमोल है आपके पास, इस अनमोल समय में आप शुक्ल ध्यान को बढ़ाइए। शुक्ल ध्यान एक घंटे के प्रयोग में जब प्रभु की वाणी आ रही है आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, आपको एक वातावरण मिलता है, प्रभु बार बार हमें चोट देते हैं और हमारा शुक्ल ध्यान बढ़ सकता है, बढ़ता भी है किसी किसी का। और यदि आप इसके बाहर, अब ये साधना आपकी 8 घंटे 10 घंटे की नहीं, 24 घंटे की साधना, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, आप अपने पर जीव पर ध्यान जाए, हम दूसरों पर ध्यान देते हैं जीव पर ध्यान नहीं देते, तो शुक्ल ध्यान बढ़े। शुक्ल ध्यान बढ़ता है तो आपको समय अनुभव आता है, कैसे कि आप निर्विचार निर्विकार संकल्प विकल्प से रहित अपने में समाहित हो जाते हैं और स्वतः ही वो आनंद की झलक आती है, वो आनंद की झलक आपको मिलती है तो आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए बार बार शिविर में आओगे तो अनुभव होगा, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है, एकदम नहीं टूटेगा, मन फिर दुलत्ती मार देता है, बुद्धि अपना निर्णय लेती है, इंद्रियों के विषय और आकर्षित करते हैं, ये जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व कि मैं देह हूँ, मैं शिवमुनि हूँ, मेरा नाम, ये संग ये सद ये सब काटते हैं। बस भेद ज्ञान को बढ़ाओ, जीव में स्थित होने का प्रसाद करो कि मैं जीवात्मा,
सिर के सिरे से पाम की अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा भेद कर दो। जब आपको लगे ध्यान में बैठे बैठे आपका मन नहीं लगता, आकार में निराकार, निराकार यानी आत्मा, अरूपी, अमूर्त आत्मा, अगुरु लघु आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, निर्विकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा, यही मेरा सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है, जीव पर अटल श्रद्धा। अभी हमारी अटल श्रद्धा नहीं हुई, भगवान फरमा देते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, परंतु जिस दिन नादिकाल का मिथ्यात्व तो टूटेगा, बार बार आप शिविर में आओगे, बार बार ध्यान करोगे, बार बार गुजरोगे। अब शुक्ल ध्यान की धारा, अभी देखो शुक्ल ध्यान करना कठिन, कितना कठिन है, किसी का आधा मिनट लगता है धारा खंडित हो जाती है, किसी का एक मिनट लगता है धारा खंडित हो जाती है। क्यों खंडित होती है? वो मिथ्यात्व, अनादिकाल का मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह, देह के प्रति विचार, संकल्प विकल्प, मन कहीं ले जाता है। 24 मिनट आपकी धारा खंडित, अखंड हो गई तो आपका कार्य बन जाएगा। इसलिए शुरुआत करो, एक मिनट, दो मिनट। अब शुक्ल ध्यान को बढ़ाना है अधिक से अधिक, कि मेरा शुक्ल ध्यान कितना बड़ा, और स्वतः धीरे धीरे आपको पता लगेगा। जितना समय एक घंटे के ध्यान में यदि आप बहुत शांत होकर के बैठ जाते हैं, आपका देह की शक्ति टूट जाती है, विचार कम हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, किसी की तरफ आप देखते नहीं, बस मैं अपने में बने रहती है, तो मतलब आपकी धारा शुरू हो गई। अब धीरे धीरे वो बढ़ेगा। इस शिविर में आके तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे इतना चेंज आ गया। इस शिविर में मेरे मन में बहुत सारे भ्रम टूटे, मिथ्यात्व टूटे, भाव कम हुए, सजगता बढ़ी, खुली आँखों के समय में चिंतन बढ़ा, चलते फिरते उठते बैठते भेद ज्ञान बढ़ा, आत्मा का पोषण हुआ, जीव पर श्रद्धा पक्की हुई। शुक्ल ध्यान की अवधि का अंदाज़ा तो नहीं आया, परंतु क्षण क्षण तो हुआ। स्वयं का निरीक्षण परीक्षण स्वयं ही करना है हमने। मिथ्यात्व तो ऐसे दूर हुआ कि पहले धर्म को एक क्रिया समझा हुआ था कि हमने नित्य समाई कर ली, भक्तामर पढ़ लिया, हमारी रोज की दिनचर्या पूरी होगी, परंतु नहीं। निशा जी की वाणी में तो ऐसा जादू है कि मन ऐसे पलटता है कि बार बार सुनने को मन करता है। इस शिविर में आके तो जाने का मन ही नहीं हो रहा, कि यहाँ मन यही करता है कि शिविर की अवधि को और बढ़ा दिया जाए, परंतु क्या करें, स्थिति ऐसी है कि उसका पालन हमें करना ही होगा। अनंत उपकार है गुरु भगवंतों का, आचार्य भगवंत का, कि उन्होंने ऐसी अमूल्य साधना, अमूल्य खजाना हमें दे दिया। और वीतराग निशा जी का तो उपकार हम जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय जिनेन्द्र। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, भेद कर दीजिए। भेद, ये साधना भेद से अभेद और अभेद से भेद की है। जड़ और जीव का भेद, ये आकार, ये जड़ आकार की है, आकार है, और जीव निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। इस जड़ में सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक एक निराकार आत्मा, एक निराकार जीव, वो तुम हो। सब में निराकार आत्मा है, वो निराकार आत्मा है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, भोजन पचता है, रस बनता है, खून बनता है, वो जीव निकल जाए तो देह शमशान की राख। दोनों साथ साथ है पर दोनों जुदा जुदा है, दोनों को अलग अलग मानना है, साथ दोनों अलग है। हमने क्या साथ मान लिया और जीव को भूल गए, अजीव को अपना मान लिया, पुद्गल को अपना मान लिया। ये पुद्गल की आसक्ति, जन्मों जन्मों की आसक्ति है। भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद, देह अलग है,
और जीव अलग है, और जीव में अष्ट गुणों की संपदा है। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर वो आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। शांत मान विचार आए तो आने दें, तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, इंद्रियां भी नहीं हो, तुम सत्य हो, एक आत्मा सत्य है, यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। मैं जीवात्मा हूँ, एक अटल सत्य है। जितना जीव सकते हो जियो, इसमें जियो, इसका अनुभव करो। और भीतर गहरे चले जाएं, मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं। आसपास का वातावरण शांत है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब जीव सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसमिस्त्रित संसार में दुखिया रहे न कोई, इसमिस्त्रित संसार दुखिया रहे न को, शोध धाराम सब को मिले, सबका मंगल हो, सत्य धाराम सबको मिले,
जान जान मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तब देवावितंग नमंग संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश सबकी उलझन सुलझाने अंधियों